Okay, so let's talk about the accessory gland of male reproductive system. सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब बात करेंगे तो तीन इंपॉर्टेंट एसेसरी ग्लैंड्स आती है. एक तो हम ये ब्लैडर के पीछे के पार्ट पे देख सकते हैं, पैड सेमिन पैड ग्लैंड है जिसको हम बोलेंगे सेमिनल वेसिकल्स. उसके नीचे हम ये डोनट शेप की ग्लैंड देख सकते हैं राइट जस्ट बिनिथ दी ब्लैडर, तो उसको हम बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे आएंगे तो जहाँ पे ये डीप मसल टिश्यू से पेरिनल टिश्यू, उसके दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड्स पे हम एक छोटी सी ग्लैंड देख सकते हैं जिसको हम बोलेंगे बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड्स. तो तीन इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड. सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दिस सेमिनल वेसिकल्स. तो सेमिनल वेसिकल्स जो है उसका साइज जो है वो अराउंड 5 सेंटीमीटर जितना होता है. उसका लोकेशन हमने देखा कि इट इज़ लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ यूरेथ्रेनरी ब्लैडर राइट. अगर हम कंपोजिशंस की बात करते हैं तो सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड सीक्रेट होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है. तो जब स्पर्म जो है वो यूरेथ्रा या से पास हो गया या फिर वजाइनल ट्रैक में एंटर होगा तो वहाँ का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो उसको किल कर सकता है, लेकिन ये जो अल्कलाइन नेचर होगा सीमेन का वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा कि जिसके मदद से स्पर्म जो है वो अलाइव रहेंगे. देन इट ऑल्सो कंटेन्स द फ्रुक्टोज, जो स्पर्म वो फ्रुक्टोज जो है वो स्पर्म एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करता है. इट प्रोड्यूसेस द एनर्जी फ्रॉम द एटीपी राइट. फिर सेमिनल वेसिकल्स के फ्लूइड में प्रोस्टाग्लैंडिंस भी रहेंगे. प्रोस्टाग्लैंडिंस जो है वो स्पर्म की मोटिलिटी एंड वायबिलिटी के लिए ज़रूरी है. And it also stimulates the smooth muscles which are present in the female reproductive tract. तो जब sperm जो है वो female reproductive tract के अंदर enter करेगा तो वहाँ पर उसकी movement के लिए वो भी जो female reproductive tract के जो smooth muscles रहेगा उसका वो contractions करवाएगा. Then it contains the clotting proteins जो ejaculations के दौरान या clotting के लिए coagulations के लिए responsible है. So overall seminal vesicles का fluid जो है it makes up the 60% of semen. राइट तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये कंबाइंड डक जो है जिसको हम इजेक्यूलेटरी डक बोलते हैं, वहाँ से सेमिनल वेसिकल्स का फ्लूइड जो है वो स्पर्मेटोजोआ के साथ मिक्स होके यूरेथ्रा के अंदर रिलीज होता है. ओके सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोस्टेट ग्लैंड. सो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसका साइज़ जो है वो बहुत छोटा होता है, अराउंड गोल्फ बॉल के जितना साइज़ होता है. उसका शेप मैंने बताया कि इट लुक्स लाइक अ डोनट शेप, इट्स लुक लाइक अ डोनट राइट. उसका शेप जो है वो डोनट जैसा होता है. उसके कंपोजिशंस की बात करेंगे तो इट कंटेन्स द साइट्रिक एसिड्स जो स्पर्म जो है उसको भी एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करता है, एनर्जी प्रोडक्शंस के लिए यूज़ करता है. देन इट कंटेन्स सम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स लाइक पेप्सिनोजन, लाइसोजम, अमाइलेस, हाइलुरोनिडेस, जो क्लोटिंग प्रोटीन्स है उसका ब्रेकडाउन में हेल्प करेंगे. देन इट कंटेन्स सेमिनल प्लाज्मिन. सेमिनल प्लाज्मिन क्या है? इट्स अ एंटीबायोटिक. तो वो क्या कहता है, जो भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं मेल यूरेथ्रा के अंदर या फिर जब स्पर्म जो है वो वजाइनल ट्रैक के अंदर एंटर करेगा तो वहाँ पे जो बैक्टीरियाज रहेगा उसको किल कर देगा, तो जिसकी मदद से इन्फेक्शंस के चांसेस कम रहेंगे. तो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशंस है दैट मेक्स अराउंड 20-25% ऑफ अ सीमेन. और फिर जो एक तीसरी ग्लैंड आती है जिसको हम बोलेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, हम उसको कोपर्स ग्लैंड भी बोल सकते हैं. उसका साइज़ जो है वो एक छोटे दाने जितना रहता है. इट्स अ पैड ग्लैंड. हमने देखा है यहाँ पे कि जो ये डीप टिश्यूज़ है पेरिनियम मेम्ब्रेन की जिसके साथ पीनस जो है वो अटैच होता है, उसके राइट एंड लेफ्ट साइड पे छोटे दाने जितना बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड रहेगा. उसका फंक्शंस क्या है, तो जब सेक्सुअल अराउजल्स होता है तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो अल्कलाइन फ्लूइड सेक्रेट करता है कि जो यूरेथ्रा का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा. देन इट ऑल्सो सीक्रेट्स द म्यूकस. तो वो म्यूकस सीक्रेट करता है और वो म्यूकस जो है वो यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करेगा कि जो जिसकी मदद से स्पर्म का डैमेज जो है वो कम होगा. कई बार क्या होता है कि कुछ मेल्स के अंदर बिफोर इजेक्यूलेशंस मतलब इजेक्यूलेशंस के पहले ही 2-3 ड्रॉप जो है वो म्यूकस के सीक्रेट हो जाते हैं एंड इट कम्स आउट ऑफ द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस, लेकिन उसमें कोई भी सीमेन नहीं होता है. वो म्यूकस होगा लेकिन उसमें कोई मतलब क्या बोलते हैं कि स्पर्म सेल्स जो है वो नहीं देखने को मिलेंगे. ओके सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनाटॉमी ऑफ पिनस. तो पिनस जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का है. इट कंटेन्स द यूरेथ्रा विच इज़ अ कॉमन पासेज वे फॉर द यूरिन एंड सीमेन राइट. पिनस जो है इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इन टू 3 रीजन. जो उसका पोस्टीरियर रीजन है उसको हम रूट बोलेंगे. जो रूट होगा वो ये डीप मसल टिश्यू से जैसे हम पेरिनियम बोलते हैं उसके साथ वो अटैच रहेगा.
देन ये जो सिलेंड्रिकल बीच का साफ्ट देख सकते हैं, सिलेंड्रिकल साफ्ट देख सकते हैं, उसको हम बोलेंगे बॉडी ऑफ पेनस, और ये जो उसका टोच का पोर्शन है उसको हम बोलेंगे ग्लांस पेनस। सो जो पेनस का बॉडी जो है वो इट इज़ मेड अप ऑफ मास ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज, तो यहाँ पे दो सिलेंड्रिकल मासेस जो है इरेक्टाइल टिश्यू के हम देख सकते हैं। ये जो बाहर का है उसको हम बोलेंगे कॉर्पस कैवेनोसा, ये जो आई विल शो यू, ये जो बाहर का पोर्शन है दिस रीजन, सॉरी दिस वन इज कॉल्ड एज अ कॉर्पस कैवेनोसा, और उसके अंदर की साइड जो ये देख सकते हैं उसको हम बोलेंगे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, दिस इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम्स, एंड आउटसाइड जो है उसको हम बोलेंगे कॉर्पस कैवेनोसम। उसके बीच में कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो है इट कंटेन्स द यूरेथ्रा, उसके बीच में हम यूरेथ्रा देख सकते हैं, राइट। अभी ये जो सिलेंड्रिकल मासेस है, ये जो इरेक्टाइल टिश्यू के मासेस हैं, इट कंटेन्स द ब्लड साइनसिस, मतलब ब्लड वेसल्स जैसी एक स्पेसिस रहेंगी जिसमें विच इज़ लाइंड बाई द एंडोथेलियल सेल्स, तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स रहेंगी जिसकी वॉल जो है वो एंडोथेलियल सेल्स से बनी होंगी, राइट, और उसके सराउंडिंग में वहाँ पे स्मूथ मसल्स का लेयर रहेगा, ओके। अभी हम कॉर्पस स्पॉन्जियोसम्स की बात करते हैं, जो इनर सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल टिश्यूज की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसिस। तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो है वो आगे जाके ऐसे एनलार्ज हो जाता है जिसको हम बोलेंगे ग्लांस पेनस, राइट, और उसका जो ये टेपर्ड पार्ट है उसको हम बोलेंगे कोरोना। सेम अगर कॉर्पस स्पॉन्जियोसिस की बात करते हैं तो उसके पोस्टीरियर पार्ट पे ये बल्ज आउट होता हुआ पोर्शंस देख सकते हो जिसको हम बोलेंगे बल्ब ऑफ पेनस, और वो बल्ब ऑफ पेनस जो है उसके साथ बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मसल्स जो है वो अटैच हुआ होता है जिसको बोलते हैं बल्बो स्पॉन्जियोसम मसल्स, राइट, और जो इजेक्यूलेशंस के दौरान हेल्पफुल रहता है। सेम हम कॉर्पस कैवेनोसिस की बात करते हैं तो उसके ऊपर आप जो ये उसके जो टेपर्ड एंड देख सकते हो यहाँ पे पोस्टीरियर पार्ट पे, उसको हम बोलेंगे क्रस ऑफ पेनस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ इरेक्शन एंड इजेक्यूलेशंस। तो यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में वो जो फिजियोलॉजी है वो दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है कि कुछ इरेक्ट जो थाट्स है, कुछ इमेजिनेशंस है, समटाइम टच जिसको हम टैक्टाइल सेंसेशंस बोलते हैं, दैट कैन एक्ट एज अ स्टिमुलाई फॉर द इरेक्शन, और वो जो है वो ब्रेन उसको डिटेक्ट करता है, एंड देन अपना जो ब्रेन है, अपना जो ब्रेन कॉर्टेक्स है, इट विल सेंड ए सिग्नल टू द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड का जो सैक्रल रीजन होगा, राइट, वहाँ से पैरासिम्पेथेटिक नर्व निकलेगी, वहाँ पे पैरासिम्पेथेटिक नर्व निकलेगी, वो जो नर्व होगी वो होगी पेल्विक नर्व, और वो नर्व सप्लाई देगी कॉर्पस कैवेनोसा को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो है वो कॉर्पस कैवेनोसा है। हमने देखा कि कॉर्पस कैवेनोसा जो है इट इरेक्टाइल टिश्यूज है, इट कंटेन्स द ब्लड वेसल्स, इट कंटेन्स द ब्लड साइनसिस, राइट, कि जिसकी वॉल जो है वो एंडोथेलियल सेल से बनी हुई होती है, एंड इट इज़ सराउंडेड बाय द स्मूथ मसल्स। तो होता क्या है, जब यहाँ पे पैरासिम्पेथेटिक नर्व सप्लाई मिलेगा तो एंडोथेलियल सेल्स जो है वहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा, एंड नाइट्रिक ऑक्साइड हमें पता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ मसल रिलैक्सेशंस। तो स्मूथ मसल्स रिलैक्स करेंगे तो ये जो ब्लड साइनसिस होंगे यहाँ पे वो डायलेट होंगे, तो मतलब ब्लड वेसल्स डायलेट होगी, ब्लड साइनसिस डायलेट होंगे तो क्या होगा, देयर विल बी एन इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो, तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो ये पार्ट जो है उसका साइज जो है वो बढ़ता जाएगा, ये कॉर्पस कैवेनोसा जो है वो स्वेल होती जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, जो वेन्स जो होती है कि जो कॉर्पस कैवेनोसा से बाहर की ओर जाती है, तो वो वेन्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। सो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है लेकिन जो ब्लड बाहर की ओर जा रहा है थ्रू द वेन्स, वो वहाँ पे वेन्स कंस्ट्रिक्ट हो रही है, तो जिसकी वजह से और एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, और ये कॉर्पस कैवेनोसा जो है वो पूरा एनलार्ज होगा, और उसकी वजह से जो इरेक्शन से वो देखने को मिलेगा। जब पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इरेक्शन, तो अपना ब्रेन उसको डिटेक्ट कर लेता है और बताता है कि नहीं भाई, इनफ पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई मिल चुका है, नाउ इट इज़ द टाइम फॉर द इनहिबिशन ऑफ पैरासिम्पेथेटिक रिफ्लेक्स। तो कॉर्टेक्स जो है वो सिग्नल भेजता है स्पाइनल कॉर्ड को, एंड इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ पैरासिम्पेथेटिक सिग्नल, और दूसरा चीज़ वो क्या करता है, उतना इनफ नहीं रहता है तो वो दूसरा चीज़ क्या करता है, इट स्टार्ट द सिंपेथेटिक रिफ्लेक्स। और सिंपेथेटिक सप्लाई कहाँ से मिलता है, तो वो होता है स्पाइनल कॉर्ड के लंबर रीजन से। याद रखना, पैरासिम्पेथेटिक नर्व सप्लाई कहाँ से जा रहा था, फ्रॉम द सैक्रल रीजन, और यहाँ पे सिंपेथेटिक रिफ्लेक्स आ रहा है फ्रॉम लंबर रीजन। सिंपेथेटिक रिफ्लेक्स की बात करेंगे
तो वो सिंपेथेटिक नर्व्स जो होंगी वो क्या करेंगे, इट विल सप्लाई द सिंपेथेटिक इनर्वेशंस टू द ऑल द डक्ट्स. यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये एपिडिडेमिस ले लो, फिर वास डिफरेंस ले लो, फिर सेमिनल वेसिकल्स ले लो, यहाँ पे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा ले लो, तो सब जगह पे सिंपेथेटिक सप्लाई रहेगा. एंड वो सिंपेथेटिक सप्लाई क्या करेगा, ये सारी डक्ट्स का कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगा. तो उसकी मदद से क्या होगा कि जैसे ही एपिडिडेमिस की डक्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगी, स्पर्म वास डिफरेंस में आएगा, वास डिफरेंस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्पर्म जो होगा ये सेमिनल वेसिकल्स के फ्लूइड के साथ मिक्स होगा, देन वो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के अंदर एंटर होगा, एंड फाइनली इट विल एंटर इनटू द स्पॉन्जी यूरेथ्रा, राइट. अभी क्या होता है कि दूसरा एक यहाँ पे नर्व सप्लाई देखने को मिलेगा, वो है सोमेटिक सप्लाई, जिसको हम बोलते हैं पुडेंडल नर्व. और वो पुडेंडल नर्व जो है वो नर्व सप्लाई देती है, ये जो बल्बस बल्ब ऑफ पेनिस था जिसको हम बोल रहे थे स्पॉन्जियो बल्बोस्पॉन्जियोसस मसल्स. तो ये बल्बोस्पॉन्जियोसस मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उसकी वजह से अपना स्पॉन्जी यूरेथ्रा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जो भी यूरिन या स्पॉन्जी जो भी स्पर्म ये स्पॉन्जी यूरेथ्रा के अंदर है, दैट स्पर्म विल दैट सीमेन विल कम आउट फ्रॉम द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस. तो जैसे ही सिंपेथेटिक रिफ्लेक्स जो है वो एंड करेगा, तो यहाँ पे पैरासिम्पेथेटिक कोई सप्लाई तो है नहीं, इसलिए ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है वो अपने ओरिजिनल फ्लैशिड शेप में चले जाएंगे और पीनस का इरेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा. और वापस से कभी जब कोई स्टिबुला आएगा तो वापस से पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई आएगा और पीनस का इरेक्शन देखने को मिलेगा, राइट.